का। सो फ्रेंड्स बड़ी खबर, जी हाँ, भारतीय नौसेना के लिए 4 से 5 राफेल एम फाइटर जेट मारिन वर्जन पोर्टेबल लेने की उम्मीद है। जी हाँ, फाइटर जेट्स डील नए चरण में प्रवेश किया है। जी हाँ, साथ साथ गोवा में राफेल एम फाइटर जेट की स्की जंप टेस्ट शुरू हो रहा है। डाजोल्ट के राफेल एम फाइटर जेट को स्टोबार STOBAR शॉर्ट टेक ऑफ बर्ड अरेस्टेड रिकवरी ये सेटिंग में उड़ान भरने की क्षमता का प्रदर्शन करना होगा, जो आज से शुरू हो रहा है। साथ साथ भारतीय नौसेना के आकर्षक फाइटर जेट्स सौदे के लिए ये टेस्ट के साथ एक नए चरण में एंट्री करेगी। जी हाँ, ये टेस्ट राफेल एम का नावल वर्सन फाइटर जेट गोवा में INS हंसा में टॉट आधारित शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से उड़ान भरना शुरू कर देगा। ध्यान रखिए, टेस्ट में STOBAR सिस्टम में राफेल एम को अपनी पावर का उपयोग करके एयरक्राफ्ट कैरियर डेक से या इसी तरह प्लेटफॉर्म से टेक ऑफ में सहायता करने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से, वो जो फ्रंट में धनुष टाइप होता है, इससे होके एयरक्राफ्ट से टेक ऑफ करने के लिए फाइटर को, तो इस पर स्की जंप रैंप के साथ एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है या टेक ऑफ करता है। और अरेस्टर ओयर जो एयरक्राफ्ट को डेक पर उतरते ही तेजी से और आसानी से खींच के रखता है, धीमा कर देता है। बिल्कुल इसी तरह के टेस्ट F-18 सुपर हॉर्नेट जो बोइंग के USA कंपनी का है, तो ये 2020 में पूरा कर चुका है। और बड़ी बात यह है कि हमारे नौसेना मार्च 2022 में राफेल की तरह इसका F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर का इंडिया में गोवा में ये टेस्ट कर सकता है। बोइंग के मुताबिक ये इंडियन नेवी के लिए बेस्ट डिजाइन है, लेकिन हमारे रक्षा विशेषज्ञों का पसंदीदा फाइटर जेट राफेल एम है। जी हाँ, क्योंकि 2 स्क्वाडन जो पहले से हमारे एयरफोर्स ने इस्तेमाल कर रहा है और अब नौसेना भी वायुसेना के साथ आवश्यकता को जोड़ दिया है। जी हाँ, जैसे डाजोल्ट एविएशन का फाइटर्स के लिए ध्यान रख के फ्रांस के साथ भारत की तेजी से बढ़ती रक्षा साझेदारी, जिसकी पश्चिम हिंद महासागर में भी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। यदि न्यू दिल्ली राफेल एम खरीद पर फैसला करेगी, तो बड़ी बात यह है कि 2022 अगस्त में INS विक्रांत IAC-1 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 INS विक्रांत जब इसे फुल्ली भारतीय नौसेना में ऑपरेशनल चालू कर दिया जाएगा, तो इस टाइम ऑपरेशनल करने के लिए ISC के साथ 4 से 5 एयरक्राफ्ट राफेल एम, जी हाँ, मरीन फाइटर जेट को उतारा जाएगा। जी हाँ, जो डाजोल्ट एविएशन से पोर्टेबल लेने की संभावना है। जी हाँ, ये अब तक का बड़ी खबर कि हमारे भारत की तरफ से फ्रांसीस कंपनी डाजोल्ट एविएशन से 4 से 5 यूनिट से एयरक्राफ्ट राफेल एम में पोर्टेबल लेने की संभावना है, उम्मीद है। यह हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है, क्योंकि INS विक्रांत जो कि ऑपरेशनल होने में और बहुत ही कम टाइम है, तो इसके लिए एयरक्राफ्ट तो चाहिए ही।